जी चूरू से हैं और राजस्थान के एस एम एस स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही हैं, क्या है ये सारा सिलसिला बताइए। मैं चूरू से हूँ, मेरा यहाँ पे 15 मई को यहाँ ट्रायल हुई थी, मैं यहाँ ट्रायल देने के लिए आई, मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ और मैं यहाँ तब 15 जून से अब 20 जुलाई को यहाँ बुलाया गया और मैं 20 जुलाई को यहाँ मैंने अपनी प्रेजेंट दी और मैं तब से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, तो एक बात बताइए कि जो ये राजस्थान के अंदर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, खेल की योजना चलाई गई है मुख्यमंत्री की ओर से, किस तरह की योजना है और कितना प्रोत्साहित आपको करते हैं ये खेल योजनाएं जो है? ये हमारे बहुत ही अच्छा प्रोत्साहित करते हैं, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, जोश बढ़ता है कि हम कुछ करें, तो सरकार हमारे लिए कुछ करते तो हमारा भी मन करता है कि हम कुछ करें सरकार के लिए, तो हमारा हमें बहुत ही अच्छा फील होता है कि हम भी कुछ इनके लिए करें, बहुत ही उत्साह है, बहुत ही जोश बढ़ता है हमारे लिए इनके प्रति। कहते हैं जी स्टेडियम देंगे गिफ्ट में, लेके जाएंगे स्टेडियम यहाँ से? सर बिल्कुल। क्या कोशिश कर रही हैं आप स्टेडियम ले जाने, कितनी मेहनत कर रही हैं वो बताइए। स्टेडियम के लिए हम जी जान की बाजी लगा रहे हैं अपना, हर टाइम हर वक्त, एक एक सेकंड हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है, हम एक एक सेकंड अपने स्टेडियम पाने के लिए कर रहे हैं, हम बहुत ही उत्साहित हैं के लिए इसको स्टेडियम पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और इस बार हम स्टेडियम लेकर जाएंगे। अच्छा, जब घर वालों को पता चला कि इस तरीके से हमारी बेटी का सिलेक्शन हो गया है तो कितनी खुशी थी घर के अंदर, क्या हुआ वो बताइए। तब घर वालों को पता चला कि हमारी बेटी का जयपुर एसएनएसवाई मानसिंह स्टेडियम में सिलेक्शन हुआ है, तो घर वालों ने बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत खुश हुआ कि हमारी बेटी इस काबिलियत हो गई है कि उनका राजस्थान के सबसे टॉप स्टेडियम में सिलेक्शन हुआ है, तो वो बहुत ही उनको बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत गर्व होता है उनकी अपनी बेटी पे उनको। तो अब जैसे ये जो योजना है, जो उनसे ये टूर्नामेंट चलाए जा रहे हैं, इसके अंदर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के बच्चे खेल सकते हैं, लड़का लड़की दोनों खेल सकते हैं, तो किस तरह का है ये आपके हिसाब से प्रस्ताव, किस तरह का है कि हर एक को बराबर का एक मौका मिल रहा है, वो क्या कहना चाहती हैं आप? जी सर, दोनों बॉयज और गर्ल्स को दोनों को बराबर की समानता मिल रही है, ये हमारी सरकार दोनों को बराबर की समानता दे रही है, हम इसके लिए खुश हैं, लड़के और लड़कियां दोनों, लड़कियां फिलहाल लड़कों से ज्यादा बढ़ती हैं। अच्छा, लड़कियां ज्यादा अच्छा कर रही हैं लड़कों से? यस सर। चलिए, तो अब आप लड़कों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्रोत्साहित करेंगे लड़कों को कि आप भी बराबरी पे आइए हमारे, एक बार बोलिए जरा। लड़कों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी लड़कियों के बराबर आने की कोशिश करें, अभी लड़कियां बहुत ही आगे बढ़ रही हैं, उनका जुनून उनका जोश बहुत ही आगे जा रहा है जी। और इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो मुख्यमंत्री इस तरह की योजना लाते रहते हैं और खेलों के बारे में बहुत सोचते हैं, क्या लगता है किस तरह का उनका एक पूरा वातावरण उन्होंने किस तरह का बना दिया राजस्थान के अंदर, वो बताइए। हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान को एक टॉप राज्य बना दिया है कि मतलब बच्चे के अंदर इतना जुनून होता है कि हम भी गेम करें, जो बच्चों गेम नहीं करना चाहते वो भी, उनको भी लगता है कि सरकार ने इतनी सुविधा कर रखी है हमारे लिए, इतना कुछ कर रहे हैं तो हम भी सरकार के लिए कुछ करें, और हमारे लिए इतना जोश होता है कि सरकार इतना कर रही है हम भी सरकार के लिए कुछ करें, हमारे सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए कुछ इतना करते तो हम भी सरकार के लिए बेस्ट करें जी। तो कैसा काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ओ, हम उनसे बहुत ही प्रेरित हैं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो हम बहुत खुश हैं उनकी इन सुविधाओं से, हमारे लिए इतनी सुविधाएं करने के लिए धन्यवाद, इतनी सुविधाएं हमारे लिए करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया, उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, वेलकम।